यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपके सर पर है, जिसमें इसमें टीजीटी का एग्जाम तो बिल्कुल सर पर है, और ऐसे में नए दो नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब ये दोनों नोटिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है जिसमें आप सभी को डर लग सकता है, क्योंकि सरकार को जब इतना बड़ा डर है तो जो मेरे भाई बहन है पढ़ने लिखने वाले जिन्होंने मेहनत की है उनका डर भी वाजिब है। तो सरकार ऐसा क्या करने जा रही है, ये सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि नया नोटिफिकेशन जारी इसलिए करना पड़ा क्योंकि यूपी में टीजीटी के एग्जाम होने जा रहा है, 7-8 अगस्त को एग्जाम है। लेकिन जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो काफी सारे भाई बहनों को प्रॉब्लम आ रही है, और पहले इसका एक ऑफिशियल नंबर जो है जारी किया गया था, वो ऑफिशियल नंबर बंद है किन्हीं कारणों से, और इसी को लेकर के नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें आपको नया नंबर दिया गया है। आपको एडमिट कार्ड संबंधी प्रॉब्लम हो तो आप वहां फोन करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको टीजीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, हाउ टू डाउनलोड टीजीटी एडमिट कार्ड इन उत्तर प्रदेश। अब पीजीटी के एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। 17-18 अगस्त को इसका एग्जाम है, तो इसके एडमिट कार्ड भी आपको 7 या 8 दिन पहले देखने को मिलेंगे। 10 दिन की बात करें तो आपको यूं मान लीजिए कि ये भी एग्जाम के 4 या 5 अगस्त के बाद से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप पीजीटी के एडमिट कार्ड भी, और उसकी तैयारी भी कर लीजिएगा। जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनकी तैयारी में थोड़ी सी ढिलाई है तो वो competitionboss.com पोर्टल पर एग्जाम सीरीज मॉक टेस्ट मैक्सिमम अटेंड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और ये प्रैक्टिस आपको एग्जामिनेशन हॉल में बड़े काम आने वाली है, ये एक डेफिनेट आप मान के चलिए। अब बात कर लेते हैं इसके टीजीटी के पीजीटी के रिजल्ट की। एक्चुअली में टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ एक बार चेंज किया गया था, जब विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें साफ साफ कहा गया था कि टीजीटी में इस बार आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और दूसरी तरफ देखें तो हम टीजीटी जीव विज्ञान 2016 का एग्जाम भी होने जा रहा है, तो ये यकीन मान के चलिए कि टीजीटी यानी कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी का जो रिजल्ट है वो इस टीजीटी जीव विज्ञान 2016 से पहले जारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू और इसमें इंटरव्यू नहीं है। ये बेनिफिट मिलने के कारण इसका रिजल्ट इससे भी जल्दी जारी हो जाएगा। अब वो भाई बहन जो 10th 12th के एग्जाम दिए हुए हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे भाइयों आपका रिजल्ट आने वाला है आज ही। आपको मैंने लिंक प्रोवाइड करवाया वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट अपने एग्जाम का रिजल्ट दे सकते हैं। 10th और 12th का आपका रिजल्ट आज आ सकता है, आने वाला है। अब बात कर लेते हैं उस डर के बारे में जो राज्य सरकार को बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करवा रही है टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, और इस बार चेंज ये हुआ था कि ये एग्जाम आपके हर जिले में होने वाला है। ऐसे में सरकार को बहुत बड़ा डर है, और ये डर उन भाई बहनों को भी होना चाहिए जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने पूरी जी जान लगा दी इस एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए। और एक तरफ वो भाई बहन है जो केवल सेलेक्ट सेटिंग के मूड में रहते हैं कि किसी भी तरीके से पैसे दे दें किसी को, उनकी जगह वो एग्जाम में कोई बैठ जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे भाई बहुत सारे भाई बहन है और लगातार ये पकड़ में भी आते रहते हैं, इसलिए इस बात पर लाल पीला होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों ने काफी माहौल खराब कर रखा है। इसका नुकसान उन भाई बहनों को होता है जो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो सरकार को इस बात का डर है। हर जिला मुख्यालय पर ये पेपर हो रहा है, ऐसे में परेशानी हो सकती है टीपने की, ऐसे में परेशानी हो सकती है पेपर सेटिंग की। तो सरकार ने इस डर को दूर करने के लिए, इस डर से निजात पाने के लिए एसटीएफ और एलआईयू की निगरानी में एग्जाम कराने का ये प्लान बनाया है। तो भाई इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, कोई भी ऐसा काम मत करना जो आपके जीवन को बर्बाद कर दे। एग्जाम में सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, क्योंकि मौके दोबारा मिलेंगे। अगर इस तरह के मामले में एक बार फंस गए तो पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा डर था, सरकार ने इसके लिए एसटीएफ की निगरानी में एग्जाम कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, और आपको ये जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। एग्जाम के सेंटर्स के बाहर भी काफी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे नए अपडेट्स यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।